इस वक्त मैं कारगिल युद्ध स्मारक के पास हूं और यहां पर मैं एक ऐसे हथियार को दिखाना चाहूंगा जो कारगिल युद्ध के समय में भारतीय सेना का बहुत एक मजबूत साथी रहा था। ये बोफोर्स तोप जिसकी गूंज से पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में बकायदा इसकी धमक जो है वो दिखाई दी थी। कारगिल का युद्ध जो है एक स्वतंत्र भारत के युद्ध में गोलाबारी के लिहाज से सबसे भयंकर युद्ध साबित हुआ था और दुश्मनों की जवाबी गोलाबारी के बावजूद उच्च कोण से 3 राउंड का जो बस्ट फायर करती थी और जिस तरह से 155 mm फील्ड और होविट्जर 77B जो बोफोर्स गन है उसको यह देखा जा सकता है। और जिस तरह से गन हिल की बात करें तो गन हिल पे जिस तरह से इसी से फायरिंग की जाती थी और जिस तरह से कह सकते हैं कि जो पाकिस्तानी जो आतंकी थे, जो पाकिस्तानी सेना के जो जवान थे, जो ऊपर में छुपे हुए थे, और कहा जा सकता है कि उस पर सबसे ज़्यादा कारगर ये साबित हुआ था। और कहा जा सकता है कि राष्ट्र की सेवा में इस तोप का बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। 25 साल पहले जिस तरह से इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो दिखा था, आज देश जो है इस तोप को याद करता है। और जिस तरह से अगर बात करें कारगिल युद्ध की बात करें, 25 साल आज पूरे हुए हैं, 26 जुलाई को हम लोग विजय दिवस के अवसर पर याद करते हैं। और जिस तरह से अगर इस पूरे वादियों की अगर बात करें, इस वादी को देखा जाए, इस बोफोर्स की वादी, बोफोर्स तोप और इसके साथ साथ पूरे खूबसूरत वादियों को देखा जाए, तो जहाँ पर बकायदा आज फिर वही 25 साल पुरानी जो कहानी है वो आज ताज़ा हो गई। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, कारगिल। इस वक्त मैं कारगिल युद्ध स्मारक के पास हूं और यहां पर मैं एक ऐसे हथियार को दिखाना चाहूंगा जो कारगिल युद्ध के समय में भारतीय सेना का बहुत एक मजबूत साथी रहा था। ये बोफोर्स तोप जिसकी गूंज से पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में बकायदा इसकी धमक जो है वो दिखाई दी थी। कारगिल का युद्ध जो है एक स्वतंत्र भारत के युद्ध में गोलाबारी के लिहाज से सबसे भयंकर युद्ध साबित हुआ था और दुश्मनों की जवाबी गोलाबारी के बावजूद उच्च कोण से 3 राउंड का जो बस्ट फायर करती थी और जिस तरह से 155 mm फील्ड और होविट्जर 77B जो बोफोर्स गन है उसको यह देखा जा सकता है। और जिस तरह से गन हिल की बात करें तो गन हिल पे जिस तरह से इसी से फायरिंग की जाती थी और जिस तरह से कह सकते हैं कि जो पाकिस्तानी जो आतंकी थे, जो पाकिस्तानी सेना के जो जवान थे, जो ऊपर में छुपे हुए थे, और कहा जा सकता है कि उस पर सबसे ज़्यादा कारगर ये साबित हुआ था। और कहा जा सकता है कि राष्ट्र की सेवा में इस तोप का बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। 25 साल पहले जिस तरह से इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो दिखा था, आज देश जो है इस तोप को याद करता है। और जिस तरह से अगर बात करें कारगिल युद्ध की बात करें, 25 साल आज पूरे हुए हैं, 26 जुलाई को हम लोग विजय दिवस के अवसर पर याद करते हैं। और जिस तरह से अगर इस पूरे वादियों की अगर बात करें, इस वादी को देखा जाए, इस बोफोर्स की वादी, बोफोर्स तोप और इसके साथ साथ पूरे खूबसूरत वादियों को देखा जाए, तो जहाँ पर बकायदा आज फिर वही 25 साल पुरानी जो कहानी है वो आज ताज़ा हो गई। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, कारगिल।